नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम कुछ खास बातें करेंगे मोटोरोला की। शायद आप सबने मोटो एज प्लस के बारे में सुना होगा। हाँ, वही 75,000 वाला फोन। तो भाई, मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं ये फोन खरीद सकूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कुछ फीडबैक दे रखे हैं मोटोरोला को, और शायद उन्होंने ये समझा है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया सा मिड रेंज फोन, मोटो वन फ्यूजन प्लस। जी हाँ, जिसके लीक हमें कुछ दिनों से सुनते आ रहे थे। तो चलिए, ले चलता हूँ आपको हमारे खास ऑनेस्ट रिव्यू तक। देखते हैं क्या है खास इस फोन में, क्या बताया है इस फोन के बारे में, और क्या है खास इसके फीचर्स। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफिक। तो चलिए हो जाए शुरू। बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास मिलता है ये बेहतरीन दिखने वाला फोन, प्री इंस्टॉल केस फोन को प्रोटेक्ट करते हुए। फोन का कलर तो बहुत बढ़िया और रिच दिख रहा है, और उसके बाद है ज्ञान वाले डॉक्यूमेंट जो हमें बहुत पसंद है। साथ में है सिम ट्रे टूल और USB A2C केबल, और फिर हमारे साथ ही 18 वॉट पावर का टर्बो चार्जर। डिज़ाइन की बात करेंगे तो प्रीमियम सी फिनिश नज़र आती है, और कर्व्ड कॉर्नर्स मिलेंगे आपको। उसी के साथ राइट साइड में पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर मिलेगा वॉल्यूम रॉकर्स, और नीचे नई चीज़ है इसमें डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन भी है राइट साइड में। ऊपर हमें मिलेगा हाइब्रिड सिम ट्रे, और उसके साथ मिलेगा पॉप अप सेल्फी कैमरा, और जो कि है 16 मेगापिक्सल का। साइड में उस इसके सेकेंडरी माइक्रोफोन, नीचे इसके मिलेगा हम सभी का फेवरेट माइक्रोफोन जैक 3.5 mm का। उसी के साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। पीछे की तरफ देखें तो ये यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट शेप बना है, और जिसमें आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप जो कि होगा 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, एफ अपर्चर 1.8 पीडीएफ के साथ में, 8 मेगापिक्सल कैमरा की होगा 5 वाइड एंगल शॉट्स के लिए। साथ में कैमरा 5 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस माइक्रो फीचर्स के लिए, और है 2 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए। उसी के पास में एलईडी फ्लैश, और सेंटर में है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि आएगा मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो मोटोरोला ने मोटो फ्यूजन प्लस में हमें दिया है 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि आईपीएस होगा। यहाँ खास बात है बीजल्स मुझे कहीं दिख नहीं रहे, और ये एचडीआर को सर्टिफाइड है, जहाँ कलर्स और स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। यूआई आपको बहुत ही नीट और क्लीन मिल रहा है स्टॉक एंड्रॉयड वाला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और फालतू से प्री इंस्टॉल ऐप भी नहीं मिलेंगे टू बी सिक्योर्ड। डिस्प्ले क्वालिटी शानदार नजर आ रही है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। बड़ी टक्कर देने के काबिल है। प्रोसेसर की बात करो तो इसमें आपको मिलेगा मिड रेंज में टॉप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G जो कि स्टॉक एंड्रॉयड 10 पे रन करेगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 9 nm का। इसमें आपको होगा जीपीयू और सीपीयू का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन। 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको मिलेगा। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये वुपिंग 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, तो गारंटीड है कि ये बहुत ही बढ़िया सा पैकेज यहाँ पे मोटोरोला ने हमें दिया है। और एक बात कि गेमर्स तो बहुत खुश होंगे, और क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 60Hz रिफ्रेश रेट। जी हाँ, तो ये फ़ोन गेमर्स के लिए भी बहुत बढ़िया मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 90Hz होता तो बहुत ही बवाल मच जाता था, लेकिन क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन देना तो बहुत ही खास बात है। तो गेमिंग के लिए तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। कुछ कूल फीचर्स में कैमरा आपको मिलता है इसके, जहाँ जहाँ है कटिंग एज जेस्चर फ्लैश के लिए, और स्प्लिट या ट्विस्ट फीचर है कैमरा ओपन करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा क्वालिटी, तो ये सारे कैमरास के फोटोज़ में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो
तो कैसे लगे ये फोटोज़, क्लैरिटी और विजुअल हमें ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। और अभी आए हो तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब करना है ताकि हम और बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और ये फ़ोन अभी तो इस सेगमेंट में मुझे बेहद बढ़िया लग रहा है, कैमरा क्वालिटी के बारे में भी, कलर कॉन्ट्रास्ट बराबर से कैप्चर हो रहा है, EVS भी है आपको इसमें मिलेगा जो कि या इस जो आम रेंज और इस रेंज के फोन्स में नहीं होता है, इस फोन में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, कोई इशू नहीं आपको इसमें। यह फ़ोन लॉक अनलॉक का फीचर्स विथ फेस लॉक भी बहुत बढ़िया सा कर लाता है, और क्योंकि ये ऑब्वियस बात है और पॉपअप भी बहुत जल्दी हो जाता है सेल्फी का। इन डिस्प्ले कैमरा तो नहीं है तो स्क्रीन में कुछ भी विजुअल्स नहीं है, डिस्प्ले भी बहुत खास है, थोड़ा सा कम है, एमोलेड होता तो बात अलग ही थी, लेकिन डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि HDR+ आपको इसमें मिलेगा। ये YouTube सर्टिफाइड है तो YouTube के लिए बहुत बढ़िया है, और यू नो YouTube सर्टिफिकेशन मिला है तो ये मुझे ऑलरेडी फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही था आज के लिए, हमें ज़रूर बताएं क्या है आपके राय आज की वीडियो में, आज के टॉपिक पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब खुश रहे, हंसते रहे। नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.